चांद की स्टडी के मिशन के साथ ही इसरो ने अब सूर्य को समझने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। ये भी बताया गया है कि सैटेलाइट श्रीहरिकोटा पहुंच चुका है। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य का अध्ययन करने और इसे समझने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 अगस्त के आखिर में या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। सूर्य पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इसमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर में है, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक मिशन फ्लाई बाय है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना।